हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। तो देखिए, हमारा राजस्थान जिसमें हमने सिक्स क्लास कंप्लीट कर ली, सेवन्थ क्लास जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। सिक्स के क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को करवा दिए अच्छे से। उसके बाद ही सेवन्थ क्लास जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है। तो आज से ही हम स्टार्ट करेंगे सेवन्थ क्लास की क्वेश्चन आंसर। जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की है बुक्स की, तो प्लीज करिएगा। सिक्स और सेवन्थ की प्लेलिस्ट में डाली जा चुकी है। क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। और एक भी पैराग्राफ में से क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा आप लोगों का। सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करती हूँ ताकि आपका कोई भी चैप्टर जो है वो इस तरीके से अधूरा ना छूटे और आपके एग्जाम में आपको भरपूर फायदा मिल सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो क्वेश्चन वन देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? तो यहाँ 10वें भाग पर वन है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सर्वाधिक वन राजस्थान में उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे अधिक उदयपुर में और सबसे कम जो है वो चूरू जिले में पाए जाते हैं। तो देखिए, चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ा है तो पहले वहां पर पढ़िए जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे पाओगे। और जो बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, उनके पास यदि समय की कमी है, तो कोई बात नहीं, इन क्वेश्चन आंसर से आपका पूरा चैप्टर जो है वह कवर होता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वनों को यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आरक्षित वन क्षेत्र, जहां पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, जहां अपनी मर्जी से जो है जानवरों को नहीं छोड़ सकते हैं चरने के लिए, ना ही वहां पर पेड़ों को काट सकते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर किसका प्रतिबंध होता है? तो यहाँ पर पशु चराने, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, जो कि सरकार के कंट्रोल में है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का कितना भाग आरक्षित वन क्षेत्र है? तो राजस्थान में लगभग एक तिहाई भाग जो है वह आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पूरा सरकार का कंट्रोल है, यहाँ ना तो पशु चरा सकते हैं ना ही लकड़ी काट सकते हैं। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं सुरक्षित वन क्षेत्र, जहां पर पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ नियम जो है वो लगाकर लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं और उसके लिए परमिशन ली जाती है। ऐसे क्षेत्र को कहते हैं सुरक्षित वन क्षेत्र। वही हमने अभी देखा था कि बिल्कुल भी ना तो लकड़ी काट सकते हैं ना ही पशु चरा सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? आरक्षित वन क्षेत्र। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वो क्या कहलाता है? तो वह आरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है, अभी मैंने ये बताया था। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पर एक तिहाई भाग पर तो आरक्षित वन क्षेत्र है, वहीं पर 50% से भी कम भाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो जहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है सरकार का, वह अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाता है। तो ये सभी डेफिनेशन जो है वो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपके पूछ ली जाएगी। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है? कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है? तो वह है अरावली पर्वतमाला। जिस भी एग्जाम में आपके राजस्थान के जीके में ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो वहां आपके ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
आपको देखिए ये सभी काम जो है वो करने होंगे। हमारा राजस्थान जो है वो आपको 6 से 10 तक की कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। 6 से 12 तक की आपकी आपको आरबीएससी की बुक्स जो है वो पूरी पढ़नी होगी, ग्रेजुएशन तक पढ़नी होगी, क्योंकि सिलेबस में ही दिया हुआ है कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 12 तक ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन तक पूरी करनी पड़ेगी। और मैंने जो नोट्स करवाए हैं तो उन नोट्स में आप लोगों को ग्रेजुएशन तक का पूरा मिलता है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14 है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यह राजस्थान का जो शुष्क भाग है और अर्ध शुष्क भाग है, जहां पर जल का अभाव है तो वहां पर कंटीले वन जो है वह पाए जाते हैं, जहां तापमान बहुत ज्यादा अधिक है और वर्षा जो है कम है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में कौन से जिले हैं? तो जो राजस्थान का मैप जो आप लोगों ने याद किया हुआ है, और यदि नहीं किया है तो याद करिए कि जो इसका पश्चिमी भाग है राजस्थान के मैप में देखेंगे तो वहां बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर ये सभी जिले जो हैं शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में आते हैं। और इसके अलावा जोधपुर, झुंझुनू, सीकर और जालौर। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? तो क्या बताया मैंने, यहाँ कंटीले वन पाए जाते हैं, रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बैर, बबूल, कैर और नीम। ठीक है, रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बैर नहीं सॉरी बेर, बबूल, कैर और नीम। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो यह खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? अब इस क्वेश्चन में भी कई जो बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो राज्य वृक्ष है वह कौन सा है? खेजड़ी का वृक्ष। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा, राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और वहीं पर राज्य पुष्प यानी फूल जो है वह रोहिड़ा का फूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सेवड़ घास कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सेवड़ घास कहाँ पाई जाती है? तो यह जैसलमेर में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी वन कह लो चाहे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कह लो, तो एक ही बात होगी। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन जो है वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में। ठीक है, जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पर हमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, सागवान, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम, ये सभी पेड़ मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 24, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ऐसे वनों को हम कहते हैं सदाबहार वन। तो कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? आबू के जो पर्वतीय क्षेत्र है जो कि ऊंचाई वाला भाग है, वहां पर हमें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आम, बांस और सागवान, ऐसे जो वृक्ष हैं वो हमें मिलते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26 है, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में कौन सी मुख्य प्रजाति पाई जाती है? तो भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य इसमें कौन सी प्रजाति मिलेगी? साइबेरियन क्रेन, बगुले, बयां, कोयल और बटेर, जिसमें साइबेरियन क्रेन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा अभयारण्य जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 31 है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन जीव पाए जाते हैं? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बाघ, भालू, सांभर, नील गाय, मगरमच्छ, तो ये सभी जो है जानवर पाए जाते हैं। तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में है। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य शब्द से क्या अभिप्राय है? अभयारण्य शब्द से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर इसका अर्थ है भय मुक्त वन, ऐसा वन जहां पर जो वन्य जीव हैं वह सुरक्षित घूम सके, तो उसे कहते हैं अभयारण्य। ठीक है, अभय धन अरण्य, तो यहाँ पर थोड़ा सा शब्द सही नहीं लिखा है, अभयारण्य में भा जो है वो पूरा आएगा। तो ये ऐसे वन होते हैं जिनका जिनमें सरकार का उद्देश्य ही होता है कि जो जंगली जानवर हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, तो सरकार द्वारा वन क्षेत्र को यहाँ संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। और यहाँ पर इन उद्यानों में आपको गौड़ावन, भेड़िया, शियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय, ऐसे वन्य जीव जो है वो मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है घोड़ावन पक्षी के बारे में, कि घोड़ावन जो राज्य पक्षी है, घोड़ावन क्या है? राज्य पक्षी है। तो यह किस मरु उद्यान में मिलेगा? तो यह जैसलमेर और बाड़मेर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहां पर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से जीव पाए जाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि घोड़ावन तो यहाँ है, इसके अलावा भेड़िया, शियार, लोमड़ी, चिंकारा, नील गाय, तो ये सभी पाए जाते हैं। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केला देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह सवाई माधवपुर और करौली में स्थित है। ठीक है, सवाई माधवपुर और करौली में स्थित है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में स्थित है। तो इतने एरिया में फैला हुआ है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, तो यहाँ पर आपको बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय जो है वो मिलेंगे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में। नेक्स्ट देखिए, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया है, तो ये अलवर जिले में स्थित है। और यहाँ पर बाघ, सांभर, चीतल, ऐसे जो वन्य जीव हैं यहाँ पर मिलेंगे। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?
टॉडगढ़ रावली वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कर्नल जेम्स टॉड जो हैं उनके नाम से ही ये वन्य जीव अभयारण्य का नाम रखा गया। तो यह राजसमंद, अजमेर और पाली जिले यहाँ पर स्थित है। और यहाँ आपको तेंदुआ मिलेगा, भालू मिलेगा, नील गाय मिलेगी, बाज मिलेगा, शियार मिलेगा, रीछ मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैंने आपको बताए थे कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जहां पर घोड़ा वन राज्य पक्षी जो है जो कि जैसलमेर बाड़मेर में, तो यहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट ये बताया था कि सरिस्का में भी आपको बाघ मिलेंगे। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में स्थित है। और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ उड़न गैलरी जो वन्य जीव पाई जाती है, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गैलरी के लिए फेमस माना जाता है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तो आराम से आप लोग याद रख पाएंगे कि ये सिरोही में स्थित है। और यहाँ आपको जंगली मुर्गा मिलेगा, रीछ मिलेंगे, चिंकारा मिलेगा, चीतल मिलेगा। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। और ये अभयारण्य कहाँ है? ये सिरोही जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कुछ जो अभयारण्य के नाम में है, नाम जो है वो आपको देखते ही पता लग जाएंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा वन्य जीव मिलेगा। तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है बूंदी में, और ये विषधारी सांप के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये सर्वाधिक मिलते हैं। इसके अलावा बाघ भी मिलता है, रीछ भी मिलता है, लेकिन विषधारी सांप के लिए ये जाना जाता है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कोटा में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित है। ठीक है, जहां जहां तक चंबल नदी जो है वो जा रही है तो वहां तक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, चंबल नदी के सहारे पर। तो यहाँ आपको घड़ियाल मिलेगा, भेड़िया मिलेगा, लोमड़ी मिलेगी, और सबसे ज्यादा ये जाना जाता है वन्य जीव अभयारण्य घड़ियाल के लिए। जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ स्थित है? जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कोटा, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। भैंसरोड़गढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भैंसरोड़गढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बस्सी वन्य जीव अभयारण्य भी है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सवाई माधवपुर में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? सवाई माधवपुर में। वन विहार वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वन विहार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह धौलपुर में स्थित है। कहाँ? धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जयसम्मत वन जीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यही पूछा जाता है कि ये वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है और किसके लिए जाना जाता है। तो जो फेमस है, जैसे कि हमने बात की राष्ट्रीय मरु उद्यान की, जो कोड़ावन राज्य पक्षी के लिए, और कैला देवी अभयारण्य जो कि जहाँ भेड़ या चीतल, खरगोश, इसके लिए फेमस है। ठीक है, और हमने देखा कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य जो उड़न गैलरी के लिए, और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो कि बाघ के लिए जाना जाता है।
तो ऐसे जो हैं ये आपको याद ही रखने हैं। और इसके अलावा ये वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उस जिलों के नाम जो है वो याद रखेंगे। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे आप आरएएस तक की करो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, शेरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? शेरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बारा जिले में। याद रखिएगा, बारा जिले में है शेरगढ़ वन जीव अभयारण्य। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो वह है चिंकारा। ठीक है, आपको याद रखना है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह राज्य पशु जो कि पालतू यानी कि जिसे पाला जाता है, तो वह है क्या है? ऊंट है। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा कि वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा को पूछा जाएगा और पालतू पशु यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऊंट। ताल छापर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चूरू जिले में। कहाँ पर स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? तो यह रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स, ये तीनों बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं। कौन कौन से? रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स। वहीं हमने तीन राष्ट्रीय उद्यान देखे थे राजस्थान में, तो वहां पर हमने देखा था केवला देव, रणथंबोर और मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जब आएगा तब आप केवला देव, रणथंबोर और मुकुंद्रा हिल्स, ठीक है, और जब आएगा बाघ संरक्षण परियोजना जहां पर बाघों को संरक्षित किया जाता है, तो वहां पर आपको केवला देव राष्ट्र, जो राष्ट्रीय उद्यान आपने याद किया था उसको हटा के आप याद रख लेंगे सरिस्का, जो कि बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है। ठीक है, दो तीन बार बोलेंगे कि केवला देव, रणथंबोर, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स ये बाघ संरक्षण परियोजना है, तो आपको याद हो जाएगा। राजस्थान में स्थित वेटलैंड नम भूमि स्थल कौन से हैं? राजस्थान में वेटलैंड या नम भूमि स्थल कौन से हैं? तो ये हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। ठीक है, जो कि नम भूमि है, केवला देव और सांबर झील। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर जो है वो प्रवासी पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं वेटलैंड स्थल पर। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? 1952 ईस्वी में घोषित की गई थी राष्ट्रीय वन नीति। तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो कुल भूभाग का लगभग 33% भाग जो है वो वन क्षेत्र का होना ही चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति जब 1952 जो है घोषित की गई थी, तो उसके अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% जो भाग है वह वन क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि यह 33% जो है वह होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषित की गई? तो यह घोषित की गई 2010 में। ठीक है, और यहाँ पर संपूर्ण जो भूभाग है राजस्थान में, तो उसका 20% भाग पर जो है वन क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया। हालांकि हुआ नहीं है, अभी राजस्थान में वन क्षेत्र जो है वो केवल लगभग 10% है, लेकिन उद्देश्य ये है कि 20% तक इसको होना चाहिए। ठीक है, और वहीं राष्ट्रीय वन नीति जब 1952 के अनुसार हमने देखा कि वहां 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वो खनिज क्या कहलाते हैं?
ऐसे खनिज कहलाते हैं धात्विक खनिज, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी और तांबा। ये सभी क्या है? धात्विक खनिज हैं, क्योंकि इन खनिजों में धातु की मात्रा हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? तो जिनमें पाई जाती है तो वो धात्विक खनिज कहलाएंगे, और जिनमें नहीं पाई जाएगी तो वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। तो एग्जाम्पल में देखिए, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, ये सभी क्या हैं? ये सभी अधात्विक खनिज हैं, क्योंकि इनमें धातु की मात्रा हमें नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। राजस्थान का भारत में किन खनिजों पर उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, यानी सर्वाधिक वो हमें राजस्थान में खनिज मिलेगा, इसका अर्थ ये है। तो राजस्थान का भारत में जिन खनिजों पर उत्पादन में एकाधिकार है वो खनिज हैं बॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता, चांदी और संगमरमर। ठीक है, याद रखना है राजस्थान का बॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता, इन खनिजों में एकाधिकार है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको बड़ी क्लासेस में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फाइव, राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह देवारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझिए, यहाँ लिखा है जस्ता शोधक संयंत्र, यह उदयपुर देवारी में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन सिक्स है, राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी हमने क्या देखा, जस्ता शोधक संयंत्र जो कहाँ है, उदयपुर देवारी में, वहीं पर सीसा जस्ता शोधक संयंत्र जो है वह स्थापित किया गया चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। तो इसको बार बार पढ़िए कि मैंने आपको बताया कि जस्ता शोधक संयंत्र देवारी उदयपुर और सीसा जस्ता शोधक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दो तीन बार बोलेंगे ये आपको याद हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, और क्लास कौन सी है आपकी, छोटी क्लास है, 7th क्लास। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह उदयपुर में होता है, भीलवाड़ा में होता है और राजसमंद में। ठीक है, उदयपुर के जावर में, भीलवाड़ा में और राजसमंद में सीसा जस्ता सर्वाधिक उत्पादित होता है। क्वेश्चन 8 देखिए, राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह झुंझुनू खेतड़ी में, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भारत में। सबसे ज्यादा तांबा कहाँ निकाला जाता है? खेतड़ी, झुंझुनू में निकाला जाता है, और उसके बाद अलवर और सीकर का स्थान भी आता है। ठीक है, सीसा जस्ता उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में, और तांबा झुंझुनू, अलवर और सीकर में। ठीक है, और तांबे का उपयोग हम किसमें करते हैं? जो भी लाइट वगैरह होती है तो वो जो तार होते हैं उनको बनाने में, बर्तन बनाने में हम तांबे का यूज करते हैं। अगला देखिए, लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो लोह अयस्क जो है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि किसमें आता है, धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। तो हमने देखा था कि ये एक धात्विक खनिज है, और इसका उत्पादन सर्वाधिक जयपुर, सीकर और झुंझुनू में होता है। और लोहे से देखिए क्या क्या बनता है, लोहे का उपयोग हम किसमें करते हैं? एक तो घर बनाने में लोहे का उपयोग होता है, रेलवे ट्रैक जो है वो बनाने में, मशीनों का निर्माण करने में हम यूज करते हैं लोहा का। ठीक है, चांदी का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि सीसा जस्ता चांदी जो है एक ही जगह पर मिलती हैं, उदयपुर और राजसमंद में। सर्वाधिक कहाँ होता है? उदयपुर और राजसमंद में।
राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो यह बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। यानी इस तरीके से याद रखें कि जो हमारा राजस्थान है उसके पश्चिमी भाग में हमें जिप्सम जो है वह मिलेगा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो यह उदयपुर में होता है, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में और जयपुर में होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले तो क्या देखा था? सीसा जस्ता देखा था, जो कि उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। वहीं चांदी जो है वह भी उदयपुर, राजसमंद में मिलेगी। और तांबा सबसे ज्यादा झुंझुनू, खेतड़ी में, और इसके अलावा अलवर, सीकर में भी। ठीक है, लोह अयस्क जो है वह जयपुर, सीकर, झुंझुनू में मिलेगा। तो ये बिल्कुल आसपास के जिले जो हैं वो एक साथ ही हैं, तो इस तरीके से याद हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो जिप्सम है वह कहाँ मिलेगा? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, पश्चिमी राजस्थान में। और रॉक फॉस्फेट जो है वह उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में। तो रॉक फॉस्फेट जो है बस इसी का आपको याद रखना है, बाकी तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो अभ्रक जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलेगा, और इसके लिए अभ्रक नगरी कही जाती है भीलवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा जयपुर और अजमेर में भी खनिज जो है यह मिलता है अभ्रक। तो अभ्रक का यूज हम किसमें करते हैं? इसका उपयोग भी हम लाइट वगैरह, विद्युत उपयोग जो उद्योग जो होते हैं वहां करते हैं, सजावट में करते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा शीशा होता है जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं, उसमें अभ्रक का ही यूज होता है। राजस्थान में बॉलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान जो कि बॉलेस्टोनाइट जो खनिज है इसमें एकाधिकार स्थापित है इसका, तो यह सिरोही और अजमेर इन जिलों में है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरोही और अजमेर में। वह कौन सा है जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है? यहाँ पर यह पूछा गया है कि वह कौन सा खनिज है जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बॉलेस्टोनाइट, बॉलेस्टोनाइट का उपयोग जो है वो हम किसमें करते हैं? कागज उद्योग में करते हैं, लघु उद्योगों में करते हैं, और जो रंग उद्योग होते हैं, लघु उद्योगों में आ जाएंगे कागज उद्योग, रंग उद्योग। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि बॉलेस्टोनाइट का उपयोग जो है वह कागज उद्योग और लघु उद्योगों में इसका यूज होता है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट में किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो अभ्रक है उसका यूज हम किसमें करते हैं? विद्युत उद्योग में करते हैं, सजावट में करते हैं, और इसके अलावा जो शीशा है दर्पण उसमें भी करते हैं। वहीं तांबे का यूज भी हम विद्युत तार उपकरण में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में। ठीक है, और संगमरमर जो कि नागौर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसका उपयोग हम भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, विभिन्न तरीके की कलाकृतियां जो हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। संगमरमर की बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होंगी। तो राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में, नागौर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में और कोटा में। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट बनाने में सर्वाधिक उपयोगी खनिज कौन सा है? सीमेंट बनाने में सर्वाधिक उपयोगी खनिज कौन सा है? तो इसमें चूना पत्थर जो है वह सीमेंट बनाने में सर्वाधिक उपयोगी खनिज है। ठीक है, चूना पत्थर जो है वो सीमेंट बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, कोटा में और उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए,
ग्रेनाइट का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में होता है? ग्रेनाइट का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में होता है? तो यह जालौर में, जैसलमेर में, पाली में और सिरोही में। तो देखिए, इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से इसको कर रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि ये जो खनिज हैं और इनके जिले जो हैं वह हमको कैसे याद होंगे। तो तीन चार जो है वो तो आप अभी के अभी ही याद रख सकते हैं, जैसे कि तांबा जो है, मैंने आपको बताया कि झुंझुनू, अलवर, सीकर में मिलता है सर्वाधिक तांबा। वहीं सीसा, जस्ता और चांदी जो है वह आपको उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा में मिलेगी, ठीक है। और अब्रक के लिए मैंने बताया कि भीलवाड़ा आपको याद रखना है, उसके साथ अजमेर और जयपुर में भी अब्रक मिलता है। वोलेस्टोनाइट, जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है खनिज में, तो वह सिरोही और अजमेर में मिलेगा। संगमरमर जो है वो मकराना, नागौर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा उसी के आसपास देखिए, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, यहाँ पर भी आपको संगमरमर मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो जिप्सम है वह आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में। और ग्रेनाइट जो है वह जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में। तो जिस तरीके से मैंने आपको दो तीन बार तो यहीं पर बता दिया है, आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है याद करने में, इनको बार बार दोहराइए, आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 21 है, ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में विभाजित किया गया है। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि खनिजों को हम तीन भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ठीक है। जिसमें धात्विक खनिज के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद अधात्विक खनिज के बारे में बताया जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। वही ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज जिसमें हमें ऊर्जा मिलती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इन्हीं को हम दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें जो है वो बार बार याद करने पर ही याद होंगी, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से होते हैं? तो जो संसाधन हम एक बार यूज में लेकर और वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, ऐसे संसाधन जिसका हम एक बार यूज कर ले और फिर वो समाप्त हो जाए, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये एक बार यूज में ले लिए जाते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? तो वही उसका अपोजिट होगा परंपरागत का, कि जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं और फिर भी वो समाप्त तो नहीं होते। कौन से हो सकते हैं? जैसे कि परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 24, राजस्थान में कोयला का कौन से प्रकार पाया जाता है? अब देखिए, अब हम ऊर्जा के जो परंपरागत साधन था कोयला, उसके बारे में देख रहे हैं कि राजस्थान में कोयला का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें, कोयले के चार प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो केवल राजस्थान के संदर्भ में पूछा है कि राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो है वह पाया जाता है, ठीक है। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। वहीं हमने अभी देख लिया है कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो है वह राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और एंथ्रेसाइट जो है, यह कोयला जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। राजस्थान में कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो लिग्नाइट कोयला है वह राजस्थान में है, और यह पलाना, बरसिंगर, कपूरडी, सांचौर और
नागौर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जो ये पलाना और बरसिंगर जो है ये कहाँ है, बीकानेर में है, और कपूरडी कहाँ है, ये बाड़मेर में है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर के पलाना और बरसिंगर में और बाड़मेर के कपूरडी में, सांचौर और नागौर में हमें कोयले का उत्पादन मिलेगा। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो यह है श्री गंगानगर में, सूरतगढ़, ठीक है। कहाँ पर है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर में, याद रखिएगा इसे। छाबड़ा 12 विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? छाबड़ा जो कि 12 में है, यह विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? तो यह कोयले पर आधारित है, याद रखिएगा। किस पर आधारित है यह? यह ताप विद्युत संयंत्र जो है यह कोयले पर आधारित है। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, राजस्थान में खनिज तेल के भंडार जो है वह पाए जाते हैं जैसलमेर में, बाड़मेर में, सांचौर में, बीकानेर में और नागौर में। राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। तो यहाँ पर हमें प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वह मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं? तो वह है सादेवाला जैसलमेर में, बागेवाला बीकानेर में, ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर में। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में हमें खनिज तेल क्षेत्र मिलता है राजस्थान में। जैसलमेर का रामगढ़ और 12 में अंता विद्युत गृह, जैसलमेर में रामगढ़ और 12 में अंता विद्युत गृह किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? तो यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर। याद रखिएगा कि जो पवन ऊर्जा है वह ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन में आता है, जो कि जिनका यूज करते जाएं और लेकिन वो समाप्त तो नहीं होते हैं, इन्हें बार बार यूज करते हैं। तो इसमें जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर, ये सभी पवन आधारित विद्युत गृह यहाँ स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान में देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा में स्थित है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पहला जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में है, और वहीं मैंने आपको बताया कि दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वह चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। अभी के अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद कर लें। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं देश का जो दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है वह चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देश के सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह जोधपुर में स्थापित की गई है, भाडला में, ठीक है। याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? भाडला, जोधपुर में। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो
तो यहाँ हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं कि खनिज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो हमने इन तीनों के बारे में पता कर लिया कि ये कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं, कौन से खनिज जो हैं वह कहाँ पर मिलेंगे। वहीं ऊर्जा संसाधन के बारे में पता किया, परंपरागत ऊर्जा संसाधन होता है और दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सेवेंथ क्लास में ही थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन वन देखिए, खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? तो वे फसलें जो कि भोजन के लिए उपयोग में ली जाती हैं, ऐसी फसलों को हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, यानी खाई जाने वाली वो फसलें, जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, चावल है, दालें हैं, जो कि हम अपने जीवन में उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाए, केवल व्यवसाय के लिए, तो वो कहलाती हैं व्यापारिक फसलें, जैसे कि गन्ना है, कपास है, तंबाकू है और तिलहन है, क्योंकि हम इनका डेली में यूज नहीं लेते हैं, इनका उपयोग जो है वो हम केवल व्यवसाय के लिए ही करते हैं। इनका उत्पादन किसके लिए करते हैं? व्यवसाय के लिए। राजस्थान में मक्का कहाँ का मुख्य भोजन है? राजस्थान में मक्का कहाँ का मुख्य भोजन है? तो यह मेवाड़ का मुख्य भोजन है। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है, तो यह मेवाड़ का मुख्य भोजन है और यह उत्पादित होता है भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। याद रखिएगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है? तो वो कौन सी फसल है जिसमें राजस्थान नंबर 1 पर है? तो वह है बाजरा, जिसमें नंबर 1 पर है, ईसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरा। तो इनमें राजस्थान जो है उत्पादन करने में सबसे नंबर 1 स्थान पर आता है, जिसमें कई बार एग्जाम में सरसों के बारे में पूछा भी गया है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? तो यह कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है वह किससे होती है? कुओं से होती है और नलकूपों से होती है। तो सिंचाई के जो साधन होते हैं, नलकूप होते हैं, कुआं होता है, तालाब होता है और नहरें होती हैं, जिसमें राजस्थान में कुएं और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाम जो है वो ध्यान से याद रखना है, राजेंद्र सिंह, जो कि वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जो राजेंद्र सिंह थे, इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, घर का सामान तक बेच दिया था ताकि राज्य को जल संकट से उबार सके। तो इसी वजह से इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित तो किया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान राज्य के किस जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है? राजस्थान राज्य के किस जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में, यहाँ पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है। क्वेश्चन 9 है, राजस्थान में किस नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है? तो किस नहर से की जाती है यहाँ पर? तो देखिए, ये कौन सा भाग है? ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है जो कि शुष्क रह जाता है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो है नहरी सिंचाई यहाँ पर होती है। चैप्टर 4, राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, 1974 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? तो जोधपुर मंडी जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी है जीरे के लिए।
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? राजस्थान में धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? तो वह है कोटा की रामगंज मंडी। याद रखिएगा, कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं हमने देखा कि राज्य की जो जोधपुर मंडी है वह जीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, ठीक है, जिससे कि सरकार किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिला सके। इसीलिए वो एक ऐसा मूल्य डिसाइड कर देती है जिससे कि किसानों को टेंशन ना हो, उनको टेंशन ना हो कि उनकी उपज को खरीदने वाले जो है वो नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसका अर्थ यह है कि देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो भी खाद्य पदार्थ जो है मिलते हैं तो वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्राय है? तो अभी हमने इसकी बात की थी, क्वेश्चन जो है वो घुमाकर पूछ लिया गया है। तो यहाँ अर्थ होता है सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है, ऐसा मूल्य। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 कृषि से संबंधित था। तो चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 5 जो है राजस्थान में व्यापार, इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो वह है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पहले पूछा भी था जब चैप्टर पढ़ाया था, तो सभी बच्चों ने आंसर सही दिया था। तो यह ब्यावर में है, 1889 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल। तो यहाँ पर देखिए, कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं जिनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक बड़े होते हैं उद्योग और दूसरे छोटे उद्योग होते हैं। तो ये जो सूती वस्त्र मिल है ये बड़े उद्योगों के अंतर्गत आती है। वस्त्र नगरी के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भीलवाड़ा जिले को जाना जाता है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान को सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राजस्थान को सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सबसे नंबर 1 पर सूती वस्त्र आता है राजस्थान में, जो कि वृहद उद्योगों के अंतर्गत आता है। और वहीं पर दूसरा जो उद्योग है वह चीनी उद्योग है। नंबर 1 पर है सूती वस्त्र उद्योग और सेकंड नंबर पर है चीनी उद्योग। नेक्स्ट देखिए, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया? कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण 2019 में किया गया। 7th क्लास का 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, राजस्थान के प्रमुख शासक। क्वेश्चन 1 देखिए, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी। तो पृथ्वीराज चौहान के समय के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इनका याद रखिएगा, 1177 से 1192 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी, ठीक है। याद रखिएगा कि इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। और जब पृथ्वीराज चौहान जब छोटे ही थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी माता जो कर्पूरी देवी थी इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था और शासन का भार भी इन्होंने ही संभाला था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3rd है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान थे।
तो इनके दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान कौन कौन रहे हैं, जो कि पूछा गया है एग्जाम में कई बार, सभी याद रहने जरूरी हैं। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयनायक, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंदवरदाई और पृथ्वी भट्ट। ठीक है, दोबारा से बोल देती हूँ। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंदवरदाई और पृथ्वी भट्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो कितनी भाषाएं जानते थे पृथ्वीराज चौहान? तो इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान रहा है। अगला देखिए, क्वेश्चन 5, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना करने वाले थे चंदवरदाई, और ये बहुत ही बड़े योग्य ज्ञानी थे। इन्होंने बढ़ चढ़कर पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 6, महाराणा कुंभा का शासन काल क्या रहा? तो ये भी एक महान शासक रहे हैं महाराणा कुंभा, तो सिसोदिया वंश के शासक रहे हैं। इनका जन्म होता है 1417 ईस्वी में, और इनका शासन का समय है 1433 से 1468 ईस्वी, और 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7, महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म होता है चित्तौड़ में 1417 ईस्वी में, 1433 में राज सिंहासन पर बैठते हैं, और 1468 में इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? तो वही क्वेश्चन है, लॉर्ड वेयर के वही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, बस सेंटेंस जो है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे या मेवाड़ के शासक बने। ठीक है, दोनों ही लाइनें करेक्ट हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने जब गुजरात विजय किया था, तो उस समय उस उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण जो है वह करवाया था। ठीक है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो निर्माण है मेवाड़ में वो महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम है? तो यहाँ पर इनके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला, इसका त्रिवेणी संगम दिखाई देता है। मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है महाराणा कुंभा के शासनकाल को, क्योंकि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो हम देखते हैं जो मेवाड़ में बने हुए बहुत सारे दुर्ग, तो जिसमें अधिकतर दुर्ग किसने इसका निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? तो वीर विनोद जो श्यामल दास का ग्रंथ है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग हैं, तो देखिए यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग, बसंत दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, इसका निर्माण करवाने थे वाले थे महाराणा कुंभा। ठीक है, और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ, जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, तो ये निर्माण कराने वाले थे महाराणा कुंभा। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर संगीत मीमांसा, संगीत राज और सूर प्रबंध, ये सभी संगीत ग्रंथ हैं जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन 15 है, महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, ये सभी जो उपाधियां थी वो धारण कर रखी थी महाराणा कुंभा ने। याद रखिएगा, महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु और राजगुरु।
महाराणा सांगा का शासन काल रहा, तो महाराणा कुंभा के बाद जो राजपूत शासक हैं वह हैं महाराणा सांगा। तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह, ठीक है। और 1509 ईस्वी में शासन संभालते हैं और 1528 तक इनका शासन का समय रहता है। नेक्स्ट देखिए, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। क्वेश्चन 18 है, राणा सांगा किसके पुत्र थे, राणा सांगा किसके पुत्र थे, तो यह राणा रायमल के पुत्र थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 19 है, राजपूतों को संगठित करके एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक थे। राजपूतों को संगठित करके एक छत के नीचे वाले लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा सांगा, जिन्होंने सभी राजपूतों को संगठित करके एक छत में लेकर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखिए, महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे, तो राणा सांगा जो थे जिन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगलों से संघर्ष किया था और देश की या राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी, ठीक है, तो इसी वीरता के कारण जो है इनको जाना जाता है, पराक्रमी योद्धा के रूप में हम जानते हैं, और इनके शरीर पर लगभग 80 घाव थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मालदेव का शासन काल था, तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, मालदेव का शासन काल था, तो मालदेव जो कि राठौड़ वंश के शासक रहे हैं, इनका शासन का समय था 1532 से 1562 ईस्वी तक का। नेक्स्ट देखिए, मालदेव किसके पुत्र थे, मालदेव किसके पुत्र थे, तो ये मारवाड़ के राव गांगा के बड़े बेटे थे, ठीक है। किसके पुत्र थे, राठौड़ वंश के जो राव गांगा थे इनके ज्येष्ठ पुत्र थे मालदेव। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे, मालदेव ने कितने युद्ध किए थे, तो इन्होंने 52 युद्ध किए थे और 58 परगनों पर भी अधिकार किया था, ठीक है। अपने समय में इन्होंने कुल 52 युद्ध किए और इनके साथ साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार किया था मालदेव ने। नेक्स्ट देखिए, मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया, तो हमने अभी महाराणा कुंभा के बारे में देखा था कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ, अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भौमर दुर्ग, ये सभी प्रसिद्ध हैं। तो मालदेव ने करवाया सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग और पोकरण दुर्ग, इनका निर्माण कराने वाले थे मालदेव। मालदेव का देहांत कब हुआ था, मालदेव का देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत हुआ था 1562 ईस्वी में। तो मैंने आपको बताया इनके शासन का समय, 1532 में शासन संभालते हैं और 1562 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। किसने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा, यानी बहुत ही ताकतवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ सकती है कि मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा था, ठीक है। महाराणा प्रताप का शासन काल रहा, महाराणा प्रताप का शासन काल रहा 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक, ठीक है। याद रखिएगा, 1572 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठते हैं और 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका शासन काल 1572 से 1597 तक रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में, और राजगद्दी पर बैठते हैं 1572 को, ठीक है। 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक होता है और उसके बाद 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम था, महाराणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था जयंताबाई और इनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह। नेक्स्ट देखिए, राणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ, राणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो यह 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था, इसी दिन जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसी दिन ही इनका राज्याभिषेक होता है। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई, महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई, तो
इन्होंने मानव अधिकारों का हमेशा ध्यान रखा और इन्होंने विश्व वल्लभ नामक एक पुस्तक लिखवाई। याद रखना है, विश्व वल्लभ नामक पुस्तक किसने लिखवाई? महाराणा प्रताप ने। बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह का जन्म कब होता है? 20 जुलाई 1541। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के राय सिंह के पिता का क्या नाम था? बीकानेर के राय सिंह के पिता का नाम था राव कल्याण मल। तो इनके बड़े बेटे थे राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह का राज्य अभिषेक कब होता है? तो इनका राज्य अभिषेक 1574 ईस्वी में हुआ था। वही हमने देखा था कि इनसे 2 वर्ष पहले 1572 में राज्य अभिषेक होता है महाराणा प्रताप का। ठीक है, 1572 में महाराणा प्रताप का, 1574 में बीकानेर के राय सिंह का राज्य अभिषेक होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। राजपुताने का कर्ण किसे और क्यों कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसे और क्यों कहा जाता है? तो दानशीलता के कारण बीकानेर के राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 36 क्वेश्चन। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण करवाने वाले थे बीकानेर के राय सिंह, और यहीं पर इस पर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। क्वेश्चन 37, राय सिंह के प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो इनके नाम बताइए। राय सिंह के प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम हैं राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। याद रखिएगा, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। नेक्स्ट देखिए, 38 क्वेश्चन। मिर्जा राजा जय सिंह आमेर की गद्दी पर कब बैठे? मिर्जा राजा जय सिंह आमेर की गद्दी पर कब बैठे? तो 1621 ईस्वी में ये आमेर की गद्दी पर बैठते हैं और आमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह किन मुगल शासकों के दरबार में रहे? तो देखिए, यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में रहे, शाहजहां के शासनकाल में रहे और औरंगजेब, इन तीनों मुगलों शासकों के दरबार में रहे मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर का शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, तो इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, याद रखिएगा। आमेर का शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो उन्होंने अहमदनगर का जो मलिक अंबर था उसके विरुद्ध अभियान पर भेजा था। तो ये सबसे पहला अभियान होता है अहमदनगर का, जहांगीर मिर्जा राजा जय सिंह को भेजते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में किसकी रचना की? मिर्जा राजा जय सिंह का राजकवि कौन है? बिहारी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो इनको मिर्जा की उपाधि जो है वह शाहजहां ने दी थी। याद रखिएगा, सबसे पहला अभियान मिर्जा राजा जय सिंह जो है, जैसे ही शासन संभालते हैं आमेर का, तो सबसे पहले जो है, जो मुगल बादशाह होता है जहांगीर, तो उनको सबसे पहले अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजता है। ठीक है, लेकिन इनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? इनको मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 43 क्वेश्चन। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की? जयसिंह चरित्र की रचना किसने की? जयसिंह के जो दरबारी कवि हैं, राम कवि, एक हमने देखे थे राजकवि कौन, बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, और एक और कवि है ये राम कवि, तो इन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना की। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ? महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। याद रखिएगा, जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि देने वाले थे
शाहजहां। अब आपको ये चीज याद रह जाएगी कि जो मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी, महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी, ठीक है? अब कभी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये दोनों उपाधियां देने वाले कौन है? शाहजहां। देवराई के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? देवराई के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो उन्होंने साथ दिया था औरंगजेब का। देखिए, पहले तो महाराजा जसवंत सिंह, जब मुगलों का उत्तराधिकारी युद्ध होता है औरंगजेब दारा शिकोह इनके सभी भाइयों के बीच में, उस वक्त जो जसवंत सिंह थे वो किसके साथ थे? शाहजहां के साथ थे। लेकिन जयसिंह के कहने पर ये औरंगजेब के साथ हो जाते हैं, ठीक है? तो शाहजहां औरंगजेब के खिलाफ ही था। जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम था? जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था गज सिंह। याद रखिएगा, गज सिंह के पुत्र का नाम क्या था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जसवंत सिंह के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये सभी ग्रंथ किसके हैं? जसवंत सिंह के हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 49, महाराजा राज सिंह प्रथम ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? तो यहाँ पर इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब के साथ राज सिंह के बहुत ही अच्छे संबंध थे, लेकिन चारुमति को लेकर इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज सिंह ने कहाँ मंदिर बनवाए थे? राज सिंह ने मंदिर कहाँ बनवाए थे? तो इन्होंने सिंघाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में, अंबा माता का मंदिर उदयपुर में, ठीक है? ये सभी कार्य किसने करवाए? राज सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 51 है, कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने ही करवाया था। किसने कांकरोली में राजसमंद झील पर संस्कृत भाषा में 25 शिलाओं पर प्रशस्ति को लिखवाया, जिसे कि कहा जाता है राज प्रशस्ति? तो रणछोड़ भट्ट द्वारा यह राज प्रशस्ति लिखी गई थी, जो कि संस्कृत भाषा में थी। 25 शिलाओं पर इस प्रशस्ति को लिखवाया गया था। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास हम पढ़ रहे हैं, 6th चैप्टर, और इतनी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखी हुई थी इस चैप्टर में कि देश का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति, ठीक है? जिसको रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलाओं पर खुदवाया गया था, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 54 है, सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? 1688 ईस्वी में हुआ था, और 1699 में ये गद्दी पर बैठ गए थे। यानी इनके पिता की जो मृत्यु जैसी होती है, तो छोटी सी उम्र में ही ये राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है? तो देखिए, हमने बात की थी कि जो शाहजहां हैं, उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। तो उसके बाद का समय आता है सवाई जयसिंह का। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो इनको उपाधि देने वाले थे औरंगजेब। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद जो जयसिंह आते हैं वो सवाई जयसिंह है, ठीक है? तो औरंगजेब से पहले कौन थे? शाहजहां थे। तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को उपाधि दी थी मिर्जा की, और उसके बाद जो आते हैं सवाई जयसिंह, इनको उपाधि देते हैं औरंगजेब। सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, और वहीं सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया जयपुर को। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कब करवाया? सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था 1725 ईस्वी में। शुद्ध सारणी का क्या नाम रखा गया? शुद्ध सारणी का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया जीज ए मोहम्मद शाही, ठीक है? तो इनको क्वेश्चनों को बार बार देखिए, बार बार वीडियो चलाइए, जिससे कि ये आपको याद हो सके। जितनी बार आप इनको देखेंगे, सुनेंगे वीडियो, उतने ही आप लोगों को ये याद रह पाएगा। और कोई भी ट्रिक नहीं होती है किसी भी चीज को याद करने की, हर चीज की ट्रिक नहीं बनाई जाती है,
इनको बस समझते जाइए, और सीक्वेंस में ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपको याद भी रह जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 59, मेवाड़ के किस शासक द्वारा ब्रज से गोवर्धन नाथ की मूर्ति को मेवाड़ लेकर आया गया था। तो यहाँ पर महाराणा राज सिंह जो प्रथम थे वह ब्रज से गोवर्धन नाथ की मूर्ति को लेकर आए थे मेवाड़ में। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा? सवाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या के अध्ययन के लिए जयसिंह कारिका लिखा, ठीक है, जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट देखिए सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वैधशालाएं बनवाई थी, ठीक है, याद रखिएगा 5 वैधशालाएं बनवाई थी, जयपुर में, दिल्ली में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में। तो ये 5 वैधशालाओं के नाम आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से 5 जो हैं वो आप याद रखें, और यहाँ एक जो है जोधपुर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो वे भरतपुर के शासक थे। महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पिता का नाम था बदन सिंह, ठीक है, और बदन सिंह जो हैं वो बिल्कुल भी शारीरिक तौर पर सही नहीं रहते थे, तो इन्होंने अपना राजपाट जो है वो अपने बेटे सूरजमल को जल्दी ही सौंप दिया था। महाराजा सूरजमल के दरबार में मुख्य विद्वान कौन से थे? महाराजा सूरजमल के दरबार में मुख्य विद्वान थे कविवर सूदन और अखेराम गर्ग। याद रखना है कविवर सूदन और अखेराम गर्ग। 7 चैप्टर आजादी का आंदोलन और राजस्थान। तो बिल्कुल समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसका आंसर देने की कोशिश करना है। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में एक संगठित किसान आंदोलन किसे कहा जाता है? तो वह मेवाड़ का जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसे ही कहते हैं एक संगठित किसान आंदोलन, जो कि बहुत टाइम तक चलता रहा था, लगभग 44 सालों तक चला ये आंदोलन। और देखिए सबसे बड़ी बात कि ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से था? तो इस आंदोलन का संबंध जो है वह था भीलवाड़ा जिले से, ठीक है, और भीलवाड़ा जिले में ही पड़ता है बिजोलिया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध भीलवाड़ा जिले से रहा। नेक्स्ट देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इम्पोर्टेंट है बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह धाकड़ जाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखना है कौन सी जाति है? धाकड़ जाति है। अभी देखिए हाल ही में वीडियो का एग्जाम हुआ था, कल हुआ था, और आज भी कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो देखिए उसमें भी इन बुक्स से ही सारे के सारे क्वेश्चन आए थे जो कल एग्जाम हुआ था, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इतिहास के सभी इन बुक से ही पूछे गए थे, तो इसीलिए इन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण क्या था? तो यह आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलता है, 44 सालों तक, जिसमें पहला चरण रहा 1897 से 1914 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण क्या रहा? तो दूसरा चरण 1914 से 1923 तक रहा, और इसका जो तीसरा चरण रहा बिजोलिया किसान आंदोलन का वह रहा 1923 से 1941 तक, ठीक है, यानी याद रखना है आपको 1897 में प्रारंभ होता है और 1941 तक चलता है। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे? तो देखिए 1897 में राव कृष्ण सिंह आता है और वह बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर
लगाता है और यहीं से आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 84 प्रकार के कर की शिकायत नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ने किससे की थी, याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। 84 प्रकार के कर की शिकायत जो है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ने की थी, किससे की थी, मेवाड़ के महाराणा से की थी। ठीक है, याद रखना है महाराणा के पास जो है वो कौन गए थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, शिकायत से नाराज होकर राव कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगा दिया था, तो यहाँ उसने एक और कर लगा दिया था, चवरी कर। ठीक है, 84 कर पहले से ही लगे हुए थे और नाराज होकर उसने एक और कर लगा दिया, चवरी कर। क्वेश्चन 11 है, बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंधाई कर किसने लगाया, तो तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया था, वहीं चवरी कर किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण में किसानों ने किसके नेतृत्व में अध्यक्षता की थी, तो जो पहला चरण होता है 1897 से 1914 ईस्वी तक, ठीक है, तो इसमें किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जो कृष्ण राव था उसकी इस कार्रवाई का विरोध किया था और नेतृत्व यहाँ किया था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी, तो दूसरा चरण जो है इसमें शामिल होते हैं विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक जो है यहाँ पर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा ऊपर माल पंच बोर्ड किससे संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसकी स्थापना करने वाले थे विजय सिंह पथिक, इन्होंने 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे थे। वहीं पर बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया, हालांकि नेतृत्व जो है कर रहे थे विजय सिंह पथिक, लेकिन बाद में ये माणिक्यलाल वर्मा को भी अपने साथ ले लेते हैं और फिर ये भी इसका नेतृत्व करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में नेतृत्व किसने किया, तो तीसरे चरण में जमना लाल बजाज ने किया। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, पहले चरण में साधु सीताराम, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव थे 1897 से 1914 तक। दूसरा जो चरण होता है 1914 से 1923 तक, तो उस समय विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा थे। तीसरा जो चरण होता है वह होता है 1923 से 1941 तक, और इस समय नेतृत्व कर रहे हैं जमनालाल बजाज। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया, तो यहाँ पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, कौन है जो राजस्व मंत्री था, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, ये बिजोलिया जाते हैं। किसके आदेश पर, राघवाचार्य के आदेश पर। राघवाचार्य कौन थे, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे राघवाचार्य। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन सी हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी, ये सभी जो महिलाएं थी ये किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं। किस किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं। नेक्स्ट देखिए, बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पर नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी ने। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी। ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से था, ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो यह बेंगो किसान आंदोलन से था। अब यहाँ पर तो आप लोग आंसर जो है वो सही देंगे, लेकिन ये चीजें जब एग्जाम में आ जाती हैं तो वहां हो जाते हैं आप कंफ्यूज। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, जहां से भी कर रहे हैं करिए, लेकिन इनको बार बार रिवाइज करिए। ट्रेंच कमिश्नर का संबंध जो है, यदि बूंदी किसान आंदोलन आ गया, बिजोलिया किसान आंदोलन आ गया, अलवर किसान आंदोलन आ गया, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन आ गया, तो वहां पर आप किस पर निशान लगाएंगे, बेंगू किसान आंदोलन पर लगाएंगे। कंफ्यूज होकर बच्चे जो है वो बूंदी किसान आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता है, सभी आंदोलन जब एक साथ पढ़ते हैं तो हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसीलिए जरूरी है वीडियो को बार बार सुनना और खुद के नोट्स जो है वो बनाना। ट्रेंच कमिश्नर ने कहां के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, तो ट्रेंच कमिश्नर ने गोविंदपुरा के किसानों पर
गोलियां चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। और यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था उस समय गांव का नाम क्या था, गोविंदपुरा, और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय गांव था गिरधरपुरा, ठीक है। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करिए, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल, ठीक है, नान जी पटेल और ठाकरी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं, और यहाँ पर जो दो किसान हैं रूपा जी और कृपा जी, ये हैं बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22, 53 में से कितनी मांगें बेंगू किसान आंदोलन में पूरी की गई थी, तो कितनी मांगों को पूरा किया गया था, तो यहाँ पर देखिए 34 मांगें जो हैं वो मान ली गई थी, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ, बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ, तो यह आंदोलन 1926 ईस्वी में हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हमने देखा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने, वहीं बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित नैनू राम और राम नारायण चौधरी और हरु भाई किंकर ने। नेक्स्ट देखिए, बूंदी के बारण में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हुए थे, तो बूंदी के जो बारण था उसमें पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में शहीद हुए थे नानक भील, ठीक है। याद रखना है कौन शहीद हुए थे बारण में, तो बारण में शहीद हुए थे नानक भील। अलवर किसान आंदोलन कब हुआ था, अलवर किसान आंदोलन कब हुआ था, तो यह आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था। तो अलवर राज्य में क्या हुआ था कि जंगली सुअर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और किसानों की फसल जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, और इसी वजह से किसानों ने यहाँ आंदोलन किया था 1921 ईस्वी में। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ जंगली सुअरों का बढ़ना इसका मुख्य कारण था। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे, तो अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक थे महाराजा जयसिंह। पूछा जा सकता है एग्जाम में, अलवर किसान आंदोलन के समय जो महाराजा थे वह थे जयसिंह। अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, तो यहाँ नीमूचड़ा जो है, यहाँ पर नीमूचड़ा गांव में एक सभा का आयोजन हो रहा था, तो वहां पर किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। नीमूचड़ा कांड को महात्मा गांधी ने किसकी संज्ञा दी थी, नीमूचड़ा कांड को महात्मा गांधी ने किसकी संज्ञा दी थी, तो इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी किसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर, ठीक है। याद रखना है जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था उस समय, सीकर था। सीकर आंदोलन के समय सीकर के शासक कौन थे, सीकर आंदोलन के समय सीकर के शासक कौन थे, तो यहाँ कल्याण सिंह जो थे वह सीकर के शासक थे सीकर किसान आंदोलन के समय में। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। अब देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूरी पूरी आने की संभावना रहती है, कि यह सीकर किसान आंदोलन ही था जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहां पर सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, ये सभी नेता थे जो कि इस आंदोलन से जुड़े थे। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था, चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था, तो मास्टर कालीचरण द्वारा जो है चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया गया था। भीलों में जन जागृति जो है यह प्रसार करने वाले थे गोविंद गुरु। नेक्स्ट देखिए, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, तो इन्होंने संप सभा की स्थापना
की थी। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पहले मसीहा हैं वो कौन है? भोगीलाल पांड्या, ठीक है, जिन्हें हम बागड़ के गांधी के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें हम आदिवासियों का जो पहला मसीहा है उस नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ दूसरा मसीहा जो है वह कौन है? मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? एक ही आंदोलन किसने चलाया था? तो यह आंदोलन चलाने वाले थे मोतीलाल तेजावत। किस आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया गया? किस आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया गया? तो यह एक ही आंदोलन ही था, ठीक है, जिसको किसने स्टार्ट किया? मोतीलाल तेजावत ने। 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है कि मेवाड़ के महाराणा जो है वह पुकार सुने आदिवासी जातियों की। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे जो है वो मान ली थी? तो उन्होंने 21 में से 18 मांगे जो है वह मान ली थी। नेक्स्ट देखिए 44 क्वेश्चन। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भील थे इन लोगों को संगठित करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील लोगों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को और हरिदेव जोशी को। मीणा चौकीदारी करने के बदले में गांव वालों से क्या लिया करते थे? तो ये लेते थे चौथ, ठीक है, चौथ वसूला करते थे ये गांव वालों से। क्यों? चौकीदारी करने के बदले में। चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाए? तो भाई जो चौकीदारी करते थे और चौथ वसूलते थे गांव वालों से, तो ये चौकीदार मीणा ही कहलाए। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया था? तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है बनाया गया था मीणा जनजाति के लिए। नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो 1924 में सरकार ने बनाया उसमें कितनी आयु से अधिक के महिला पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होती थी? तो यहाँ पर जो 12 वर्ष के अधिक थे मीणा जाति के लोग, तो उनको रोज जाना पड़ता था पास के थाने में और वहां पर अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। प्रजामंडल का क्या अर्थ है? प्रजामंडल का क्या अर्थ है? तो प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो ऐसा कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो कहते हैं कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी हो सकता है जब वहां की जन यानी लोग तैयार होंगे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जय नारायण व्यास ने 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वह किसे बनाया गया? तो भंवरलाल जो है इनको मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया। भंवरलाल शर्राफ को अध्यक्ष बनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल का। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था 1938 में रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। कर्पूर चंद पाटनी और जमुना लाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? तो यह 1936 में हुआ था, ठीक है, और राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल यही है जयपुर प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना 1931 में होती है कर्पूर चंद पाटनी और जमुना लाल बजाज के प्रयासों से, ठीक है, और 1936 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था।
जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन 1938 में होता है, जमना लाल बजाज की अध्यक्षता में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जो है जयपुर प्रजामंडल है, 1931 में इसकी स्थापना होती है, 1936 ईस्वी में इसका पुनर्गठन होता है और 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा जो हैं, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण में यहाँ शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई मघाराम वैद लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा, ठीक है। मघाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कब आयोजित किया गया? बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो यह 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल या हाड़ोती प्रजामंडल, इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह नेहनू राम जो शर्मा है, नयनू राम शर्मा, तो ये कोटा प्रजामंडल के क्या रहे हैं, स्थापनकर्ता रहे हैं, ठीक है। या हाड़ोती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नयनू राम शर्मा ने की थी। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ? तो मई 1939 को कोटा में ही होता है कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है डूंगरपुर राज्य में, एक साधारण बंजारा परिवार में। तो यही क्वेश्चन जो है वो आपका लास्ट ईयर रीट में भी पूछा गया था। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। संप शब्द किस भाषा का शब्द है? संप शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है, एग्जाम में आ सकता है। यह राजस्थानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व, ठीक है, प्रेम और बंधुत्व होता है। इनका क्या कार्य था? इनका कार्य था कि आदिवासियों के अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको छुड़ाना और उसके बाद उन सबको एक करके और उनमें जागृति पैदा करना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराना। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस रियासत से था? अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर रियासत से था। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठ ही इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और ये जो थे ये इंग्लिश जानते थे, संस्कृत जानते थे, पाली भाषा भी जानते थे, अरबी जानते थे, तो बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। अर्जुन लाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो मैंने आपको बताया अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली, यानी पांच भाषाओं के विद्वान थे अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया? राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया? अर्जुन लाल सेठी को सौंपा गया था। चेतावनी रा चुंगटिया की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, तब हम हो जाते हैं कंफ्यूज। और आंसर जो है इसका सही ये है कि चेतावनी रा चुंगटिया, केसरी सिंह बारहट ने इसकी रचना की थी। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह था? किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह था? तो विजय सिंह पथिक का
वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था, ठीक है। और देखिए केसरी सिंह बारड़ जो थे, जिन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया जो प्रसिद्ध सोरठ लिखे थे, 13 सोरठे लिखे थे, सोरठे यानी दोहे, तो उन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा थे उनको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था, वहां जाने से रोका था, जब जो राणा फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 74, विजय सिंह पथिक जिनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए इनका जन्म जो है वह यूपी में होता है, बुलंद शहर में, और उसके बाद ये राजस्थान में आते हैं, क्रांति का संचालन करते हैं यहाँ पर, और क्रांति की योजना जो है जब सही नहीं हो पाती है, असफल हो जाती है, तो ये भूमिगत भी हो जाते हैं और वहां से भी क्रांति करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने की थी। और हमने देखिए इसी चैप्टर का जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वह विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है विजय सिंह पथिक जो हैं, इनका जन्म कहाँ होता है? यूपी में होता है, ठीक है, गलती से भी राजस्थान नहीं करना। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी किसने की? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 77, सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ था, ठीक है, और राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था, और इनके मित्र थे राव गोपाल सिंह। नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा? तो यहाँ पर कोटा सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकारों ने इनाम रखा था इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। कौन है वो? ठाकुर जोरावर सिंह बारहट, ठीक है, याद रखेंगे ठाकुर जोरावर सिंह बारहट को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा था। केसरी सिंह बारहट के पुत्र का क्या नाम था? केसरी सिंह बारहट के पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए कुंवर प्रताप सिंह जो है इनके बेटे का नाम था। किसका? केसरी सिंह बारहट के पुत्र का नाम था कुंवर प्रताप सिंह, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। और इनके ही भाई जो थे ठाकुर जोरावर सिंह बारहट थे। लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में किसने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में किसने बम फेंका? तो रास बिहारी बोस के साथ जोरावर सिंह बारहट जो थे इन्होंने बम फेंका था चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई कौन थे? ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई कौन थे? तो मैंने आपको बताया इनके भाई का नाम था ठाकुर जोरावर सिंह। आशा नाड़ा स्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार किया था? तो आशा नाड़ा स्टेशन मास्टर ने ऐसा ढोंग रचाया था जिससे कि एक क्रांतिकारी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये क्रांतिकारी थे कुंवर प्रताप सिंह। याद रखेंगे कि प्रताप जो है वो जब जोधपुर होकर आ रहे थे तो यहाँ पर आशा नाड़ा स्टेशन मास्टर ने इनके साथ ऐसा जो है ढोंग रचा और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया, और उसके बाद इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया था, ठीक है, और वहां पर इनको बहुत सारी कठोर यातनाएं दी गई थी। प्रताप सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है, प्रताप सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें गिरफ्तार करके बरेली जेल में भेज दिया गया था। राव गोपाल सिंह को कहाँ नजरबंद किया गया था? राव गोपाल सिंह खरवा, इन्हें कहाँ नजरबंद किया गया था? तो इन्हें टॉडगढ़ में नजरबंद किया गया था, ठीक है। इनके साथ में जो विजय सिंह पथिक इनके साथ में ही थे, और कुछ दिनों बाद जो है ये दोनों ही वहां से लापता हो जाते हैं। गोपाल सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो इम्पोर्टेंट है, प्रताप सिंह को बरेली जेल में रखा गया था, वहीं पर गोपाल सिंह को इन्हें सलेमाबाद में पकड़ा गया और उसके बाद इन्हें तिहाड़ जेल में भेजा गया था।
तो ये कुछ क्रांतिकारी थे जिनके नाम याद रखने हैं आपको, इन्हें किस जेल में भेजा गया था, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। तो यहाँ ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 8, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। क्वेश्चन 1 देखिए, आजादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? आजादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं चल रही थी? तो सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, ऐसी जो कुप्रथाएं थी समाज में चल रही थी। 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानून किससे, किनके प्रयासों से बना? 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून बना वो किनके प्रयासों से बना? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना था, और यह कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था, ठीक है। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो वह रियासत थी जयपुर रियासत। सबसे पहले जयपुर रियासत ने इसे निषेध कानून माना, उसके बाद कोटा, जयपुर और मेवाड़, यहां पर भी कानून बनाए गए सती प्रथा को उखाड़ने के लिए, ठीक है। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया? राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया? तो सबसे पहले कोटा रियासत ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया, और इसके बाद कोटा के बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो याद रखेंगे, सबसे पहले कोटा रियासत ने कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया, और सती प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जयपुर रियासत ने कानून वहां पारित किया। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई? राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई? तो यहाँ सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। तो बाल विवाह क्या होता था? जिसमें जो बेमेल कन्या और पुरुष का विवाह होता था, यानी कि बड़ा जो पुरुष होता था और कन्या होती थी, तो उसका विवाह कर दिया जाता था, एक तरीके से अनमेल विवाह होता था। तो ये प्रथाएं जो थी वो राजस्थान में चल रही थी। तो बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले आवाज उठाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया? तो यहाँ पर बाल विवाह निषेध कानून बनाया था अलवर जिले ने, 10 दिसंबर 1903 ईस्वी में। दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता था? दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसे हाली और चाकर, इन दोनों नामों से जाना जाता था, ठीक है। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम कब पारित किया? तो इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा इसे समाप्त किया था। राजस्थान के किस रियासत में डाकन प्रथा का प्रचलन अधिक था? राजस्थान के किस रियासत में डाकन प्रथा का प्रचलन अधिक था? तो मैंने आपको बताया था कि डाकन प्रथा क्या होती है, इसमें जो कुछ स्त्रियां होती हैं उन पर डाकन होने का आरोप लगाया जाता है और फिर उन्हें मारा जाता है। तो मेवाड़ और कोटा राज्य में डाकन प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक था। यह एक तरीके का क्या था, अंधविश्वास ही था। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो डाकन प्रथा बोले या डायन प्रथा बोले, एक ही बात है, इस पर रोक लगाई थी 1853 ईस्वी में AGG ने, ठीक है। राजपूताना AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो इन्होंने इसे अमानवीय प्रथा बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया था, और जो रियासत के शासक थे उन पर दबाव बनाया कि ये प्रथा जो है वो रोकी जाए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11 है, ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? तो इसे देसी शिक्षा यानी इंडिजीनियस एल्यूकेशन इस नाम से संबोधित किया, जिसे हम देसी शिक्षा भी कहते हैं।
राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? तो यह स्कूल खोला गया अजमेर में। याद रखेंगे, राजस्थान में पहला स्कूल जो कि आधुनिक शिक्षा का था, अजमेर में 1819 ईस्वी में खोला गया था। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बना दी गई? तो अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा जो है बनाया गया 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? 19वीं शताब्दी के दौरान किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्रारंभ कर दी गई? तो ये जैसलमेर रियासत थी जहां पर अंग्रेजी शिक्षा जो है वो है प्रारंभ नहीं हुई थी, बाकी सभी रियासतों में ये प्रारंभ कर दी गई थी। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, उनके राजकुमारों, पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा जो है वो अलग से इनका प्रबंधन जो है वो किया गया। तो सन 1872 ईस्वी में जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने की? राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब हुई? 21 अगस्त 1937 को हुई। किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने। तो इसमें सभी के लिए शिक्षा ऐसा उद्देश्य रखा गया। एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान विद्यापीठ संस्था जो है इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था सभी को शिक्षा मिल सके। राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किए गए? राजस्थान में मिशनरी संस्था या कन्या वर्नाकुलर स्कूल ये 1861 ईस्वी में प्रारंभ किए गए ताकि महिलाओं को यहाँ शिक्षा मिल सके। राजस्थान का पहला कन्या स्कूल कब और कहाँ खोला गया? तो ऐसा स्कूल महिलाओं के लिए अजमेर में खोला गया सबसे पहला 1866 ईस्वी में पुष्कर। ठीक है, पुष्कर अजमेर में सबसे पहला कन्या स्कूल खोला गया। कहाँ? राजस्थान में। आदिवासियों का मसीहा और बागड़ का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है कि बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, और आदिवासियों का प्रथम मसीहा कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ? भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में डूंगरपुर में हुआ था, और इसी वजह से इनको बागड़ का गांधी कहा जाता है। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो जहां पर बच्चे भी पढ़ सकें और बड़े जो बूढ़े होते हैं वो भी पढ़ सकें, उनके लिए पाठशाला की स्थापना की। और बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है, जो पाठशाला उन्होंने खोली थी यही जो है आगे चलकर बागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होती है। नाना भाई खाट और सेंगा भाई का संबंध किस जिले से है? नाना भाई खाट जो कि भील हैं और सेंगा भाई, तो इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध डूंगरपुर जिले से है। तो जब मैंने आप लोगों को किसान आंदोलन पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने इनकी चर्चा की थी। ठीक है, कि नाना भाई खाट जो है वो भीलों को शिक्षित करने का कदम उठाते हैं, पाठशाला खोलते हैं, और सेंगा भाई जो है यहाँ पर अध्यापक रहते हैं। पुलिस ने किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या कर दी थी? तो राजस्थान में डूंगरपुर राज्य में जनजागृति सेवा संघ द्वारा जो पाठशाला खोली गई थी, तो इसे पुलिस ने बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या कर दी थी। 13 वर्षीय भील बालिका जो अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हुई थी, तो उसका नाम था कालीबाई। तो कालीबाई एक छात्रा थी जो कि अपने अध्यापक को बचाते हुए शहीद हो जाती है। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह कितने सालों तक लोकसभा के सदस्य रहे? बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह कितने सालों तक लोकसभा के सदस्य रहे? तो इसका आंसर है 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 25 वर्ष तक।
बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म कब हुआ था? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इनके द्वारा बहुत सारे कार्य जो है वो किए गए थे। बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था। इसके अलावा खेल कूद, निशानेबाजी, इसको भी इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट देखिए 27 क्वेश्चन, हीरा लाल शास्त्री। तो इनके संबंध में क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, हीरा लाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 24 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर में एक किसान परिवार के घर में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, जोबनेर में एक किसान परिवार में जन्म होता है हीरा लाल शास्त्री का। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस परिवार में हुआ, तो कृषक परिवार में हुआ था। और पहले से ही, मतलब बचपन से ही ये समाज सेवा की भावना जो है इनके मन में थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 28, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो हीरा लाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 29, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो हीरा लाल शास्त्री जो है मुख्यमंत्री बनते हैं 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30 है, रतन शास्त्री ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? रतन शास्त्री ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? तो इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31, महिला शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुना लाल बजाज अवार्ड किसे दिया गया? महिला शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुना लाल बजाज अवार्ड दिया गया रतन शास्त्री को। ठीक है, याद रखेंगे, इन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया था, तो इन्हें सम्मान मिला था पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुना लाल बजाज। अगली जो महिला है, किशोरी देवी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म झुंझुनू जिले में हुआ था। याद रखेंगे, झुंझुनू जिले में दुलारों का बास में इनका जन्म होता है किशोरी देवी का। और ये कौन है? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी है। किशोरी देवी के पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम मैंने आपको बताया, हरलाल सिंह। नेक्स्ट देखिए, मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ? मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 10 मार्च 1905 को हुआ था। मामा बालेश्वर दयाल ने किस क्षेत्र में कार्य किया? मामा बालेश्वर दयाल ने किस क्षेत्र में कार्य किया था? तो इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश इस एरिया में जाकर कार्य किया था। 7th क्लास का 9th चैप्टर संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, तो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। यदि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़िएगा, और यदि टाइम नहीं है आपके पास तो इस क्वेश्चन आंसर सीरीज से जुड़िए। इसके हर एक क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो राजस्थान लेवल पर। क्वेश्चन 1 देखिए, आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसे आवश्यक नियम कानून जिनके आधार पर कोई संस्था हो या देश हो तो वह संचालित किया जाए तो वह कहलाता है संविधान। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग कब की थी? तो कब की थी? 1935 ईस्वी में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी ऐसी मांग की थी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मांग कब की थी और घोषणा कब हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3 है, संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो ये घोषणा जो है वो किसने की थी? ये घोषणा 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, संविधान के लिए जो मांग है संविधान सभा की, वह सबसे पहले 1935 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण जो होगा वो
को चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई व अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और उस वक्त जो है कोई डिसाइड नहीं कर पाया था कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो यहाँ पर स्थाई ना बनाकर अस्थाई अध्यक्ष जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बनाया गया। कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले जो है वो बड़ों को ही बोला जाता है, तो यहाँ पर स्थाई अध्यक्ष जो है नहीं चुना गया, सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई उसमें स्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा से क्या अभिप्राय है? संविधान सभा से क्या अभिप्राय है? तो जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है उसे ही कहा गया संविधान सभा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो अब यहाँ निर्वाचन हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्ट बनाया गया संविधान का, तो उसकी जो समिति बनाई वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो देखिए संविधान निर्माण जो हमारे सामने आया तो उसके निर्माण में बहुत समय लगा, इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान को कब स्वीकृत और अंगीकार किया गया? संविधान को कब स्वीकृत और अंगीकार किया गया? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और देखिए 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृति मिली। यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया और अभी ये लागू नहीं हुआ था। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी ही डेट क्यों चुनी गई? तो चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो डिटेल में ये सारी चीजें समझाई थी। संविधान दिवस कब से मनाया जाने लगा? तो संविधान जो लागू हुआ है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर से। 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे कि संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार हुआ, स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और वही संविधान दिवस 2015 से हम लोगों ने मनाना शुरू किया है और हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14 है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों के नाम जो राजस्थान के ही सदस्य थे, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संविधान सभा में राजस्थान के उन सदस्यों के नाम बताने हैं जो यहाँ के मूल निवासी थे। तो आंसर देखिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, सरदार सिंह खेतड़ी से, राज बहादुर भरतपुर से, जसवंत सिंह बीकानेर से और हीरालाल शास्त्री जयपुर से। तो कैसे भी इनको याद रखना है, इन 11 सदस्यों के नाम जो कि राजस्थान के मूल निवासी थे, संविधान सभा में शामिल हुए थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो ऐसे सदस्य जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे और राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे और संविधान सभा के सदस्य बने, तो इनमें देखिए 4 सदस्यों के नाम है, सर वी टी कृष्णमाचारी तो ये जयपुर रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे, सी एस वेंकटाचारी जोधपुर सरकार
सरदार के एम पन्नीकर बीकानेर रियासत से, सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर रियासत से थे। तो ये लोग जो हैं राजस्थान के मूल निवासी ना होकर राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। यहाँ सर वी टी कृष्णमाचारी जो थे ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे, वहीं वेंकटाचारी कर्नाटक राज्य के थे। पन्नीकर जो थे ये कहाँ के थे, केरल के थे, नाम से ही समझ में आ रहा है पन्नीकर जो है केरल के। और विजय राघवाचार्य जो थे ये भी तमिलनाडु के थे। क्वेश्चन 17 देखते हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कहाँ हुआ। तो संविधान सभा में जो सदस्य शामिल हुए थे जो कि राजस्थान के मूल निवासी थे उनमें से थे एक मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1903 को उदयपुर रियासत में। और ये क्या थे, एक वकील थे। मुकुट बिहारी लाल कितनी बार लोकसभा के सदस्य रहे, तो ये स्वतंत्रता के बाद ही 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे थे। माणिक्य लाल वर्मा का जन्म कहां और कब हुआ, तो बहुत ही महान हस्ती हैं माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जब बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था तो उस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे थे माणिक्य लाल वर्मा। इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि माणिक्य लाल वर्मा का जन्म जो है होता है बिजोलिया भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्य लाल वर्मा ने कब की थी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, माणिक्य लाल वर्मा ने कब की थी, तो यह 1941 ईस्वी में की थी, ध्यान रखेंगे। पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो पंछीड़ा गीत जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ था माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा ये लिखा गया था। 1948 में बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, 1948 में बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री 1948 में कौन बने थे, माणिक्य लाल वर्मा, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था। जय नारायण व्यास का जन्म कब हुआ, जय नारायण व्यास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। जय नारायण व्यास जो है मारवाड़ के थे, जोधपुर में इनका जन्म 18 फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ था। तरुण राजस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे, तो जय नारायण व्यास ही थे तरुण राजस्थान और अखंड भारत के संपादक रहे हैं, प्रकाशक रहे हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री कब तक रहे थे, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे जय नारायण व्यास 1951 से 1956 की अवधि तक। वही हमने 1948 में देखा था कि बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है, और उसके बाद जय नारायण व्यास जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ, बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ था, ठीक है, और 1938 में ये प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भी बने थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th क्लास चल रही है, 9th चैप्टर में ही देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको बड़ी बड़ी क्लासेस में भी नहीं मिलेगा। तो सोचिए इन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, 6 से लेकर 12 तक की बुक जो है सेकंड ग्रेड के बच्चे को याद होनी चाहिए, और जो रीट के बच्चे हैं उनको 6 से 10 तक की सभी बुक्स जो है वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले जो है बलवंत सिंह मेहता रहे थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले, सबसे पहले राजस्थानी रहे थे बलवंत सिंह मेहता। दलेल सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये जो भी हम नाम पढ़ रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य जो हैं रहे हैं और ये राजस्थान के मूल निवासी रहे थे। तो दलेल सिंह जो कि कहाँ के थे, कोटा के, ठीक है, और इनका जन्म 18 मार्च 1909 ईस्वी को हुआ था। जसवंत सिंह किस रियासत के महाराजा के प्रधानमंत्री रहे,
जसवंत सिंह किस रियासत के महाराजा के प्रधानमंत्री रहे थे? तो महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे थे जसवंत सिंह। तो ये वो जसवंत सिंह नहीं है जो कि महाराजा थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं जसवंत सिंह, तो वह महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे थे। हीरा लाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? हीरा लाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जयपुर के जोबनेर में 24 नवंबर 1899 को हुआ था। हीरा लाल शास्त्री के बारे में तो बहुत बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हीरा लाल शास्त्री ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में किस संस्था की स्थापना की थी? तो जो शास्त्री जी थे, इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी टोंक जिले के निवाई तहसील के वनस्थली गांव में, और जिसके माध्यम से ही ये समाज सेवा की दिशा में बहुत सारे कार्य करते हैं। बाद में जाके ये जयपुर प्रजामंडल जो है उससे भी जुड़ते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो हीरा लाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान दें, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री बने। सर वी टी कृष्णमाचारी कहाँ के रहने वाले थे? सर वी टी कृष्णमाचारी तो ये रहने वाले थे तमिलनाडु के, ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य रहे ये, जो कि राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रहे थे। सी एस वेंकटाचारी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये भी वी टी कृष्णमाचारी की तरह ही वेंकटाचारी भी एक प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि राजस्थान की रियासतों में जाकर वहां पर कार्य करते हैं, तो ये कर्नाटक के मूल निवासी थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने सी एस वेंकटाचारी को कब अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था? तो इन्होंने 1949 ईस्वी में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। उसके बाद में जो जयपुर के राज प्रमुख थे राजा मान सिंह, तो उनके समय में प्रशासनिक अधिकारी भी ये बने थे। कौन? सी एस वेंकटाचारी, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान सी टी विजया राघवाचार्य किस राजस्व मंत्री को बिजोलिया भेजते हैं? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने पढ़ा था कि ये डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। तो ये वही थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय में उनसे क्या किया था, समझौता किया था, लगान की दरें जो है वो कम की थी, जो भी लाग वाग लगाए गए थे वो हटाए गए थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ आपका 9th क्लास का चैप्टर जो है वह कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो है इस चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि संविधान के निर्माण में राजस्थान के कौन कौन से व्यक्तियों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया था, उनका नाम पूछा जाएगा, किस रियासत से वो खड़े हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा जो कि महात्मा गांधी का है, तो उसमें से क्वेश्चन जो है वो आज तक भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। चैप्टर मैंने फिर भी आप लोगों को पढ़ा दिया था महात्मा गांधी, तो वहां पर केवल महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, तो केवल उसी के बारे में एक स्टोरी है जिसमें से क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो 8th क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।